सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 में हिंदी व्याकरण पाठ 1 भाषा के अंतर्गत लिपि तथा व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने इसे ध्यान से सुनकर समझना है, तो पहले अभी हम लिपि के बारे में पढ़ते हैं। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है। इसके द्वारा मौखिक यानी मुख से बोलकर इन ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। पूरे विश्व के सभी देशों की भाषा अलग अलग होती है, तो सभी देशों की भाषा की लिपि भी लिखने की अलग अलग होती है और लिखने के चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में लिखने के लिए हम अ आ ई वर्णों का प्रयोग करते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। भारत की कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि इस प्रकार है। संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी में तथा बांग्ला की भाषा की लिपि बंगाली में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के लिखने की एक ये विशेषता है कि इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। बच्चों, आपको लिपि के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके आगे व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसे भी ध्यान से सुनकर समझना है। हिंदी भाषा में व्याकरण के अज्ञान के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण भाषा के अशुद्ध रूप को शुद्ध करता है। बच्चों, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने तथा लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान ही नहीं होगा तो हमारी भाषा भी अशुद्ध होगी। जैसे आप ऊपर के इन दोनों चित्रों को देखें। चित्रों के नीचे वाक्य पढ़ें। पहले चित्र के नीचे वाक्य लिखा है, बच्चा खेल रही है। अब दूसरे चित्र को देखिए और वाक्य पढ़ें। उसमें लिखा है, मेरे को भूख लगी है। क्या ये ठीक वाक्य लिखा है? नहीं। आओ अब हम शुद्ध वाक्य पढ़ते हैं। बच्चा खेल रहा है, मुझे भूख लगी है। हिंदी भाषा में ये व्याकरण का शुद्ध रूप है। तो बच्चों, आपको आज हिंदी भाषा में व्याकरण के महत्व के बारे में समझ आ गया होगा। हमारा आज का ये पाठ खत्म होता है। आपने लिपि तथा व्याकरण विषय को अच्छे से समझकर इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।